हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू रौनक्स रेसिपी। सो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ डेट्स और ड्राई फ्रूट के लड्डू। तो पूरी वीडियो अंत तक देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ डेट्स और ड्राई फ्रूट के लड्डू। और इन सब चीज़ों के लिए ये सब सामान हमारे पास अवेलेबल है, तकरीबन सारे ही सामान यहाँ पर है। मैंने यहाँ पर सब सामान यूज़ किया, आप कुछ कम भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा डेट है हाफ के जी, यानी कि खजूर। हाँ, ये इसे मैंने अच्छे से वॉश करके सुदूम पानी में यानी वार्म वाटर में इसे भिगो दी हूँ। ये अंजीर है, ये अंदाज से 100 ग्राम या 150 ग्राम होगा। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट है, ये 200 ग्राम बादाम है, 100 ग्राम काजू है, ये नारियल है सूखे हुए नारियल गड़ी, ये 50 ग्राम, ये अखरोट है 100 ग्राम, ये पिस्ता है 25 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा है, ये 25 ग्राम किशमिश है, और कुछ यहाँ पर ये कद्दू का बीज है, ये पम्पकिन सीड्स, और ये है खरबूज का बीज, और ये है पॉपी सीड यानी कि खसखस, और कुछ घी इस्तेमाल करूँगी मैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं इसे, इसका बीज निकला हुआ है, इसे सबसे पहले मैं इसे ग्राइंडर में ग्राइंड कर लूँगी और इसके साथ इसे भी ग्राइंड कर लूँगी। तो इसे हमने सोख करके रख दिया था गर्म पानी में, और ये इसका बीज आपको निकाल लेना है। अगर आपका बीज नहीं निकला हुआ है, आप लोग इसे पहले रिमूव कर दें सीड्स को, और उसके बाद इसे ग्राइंड करें। इसे भी मैं बारीक काट लूँगी, बाकी सब कटा हुआ है इस्तेमाल करूँगी मैं। हाँ, सबको अच्छे से चॉप कर लिया हमने, थिनली स्लाइसली चॉप्ड कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी यूज़ करूँगी ताकि अच्छे से ग्राइंड हो जाए। तो यहाँ पे हमने डेट्स रखा है और इसमें फिग भी ऐड करना है यानी कि अंजीर, तो दोनों को अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। इस तरह से ग्राइंड कर लेना है। ये खजूर है और ये अंजीर है, अब इसे हलवा की तरह पकाएंगे। तो अच्छे से हमने इसे ग्राइंड कर लिया है, खजूर और अंजीर को। ऐसे छोटे छोटे पीसेस काट ले रही हूँ मैं। हाँ, वॉलनट्स को अच्छे से चॉप कर लेना है। अब एक एक करके मैं सारे ड्राई फ्रूट को हल्के हल्के फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे हमने घी डाला है 1 टेबलस्पून, और सबसे पहले यहाँ पे आलमंड्स को अच्छे से चॉप किए हुए आलमंड्स को हमें फ्राई करना है। और मीडियम टू हाई फ्लेम में रखना है, मतलब खूब हाई भी नहीं रखना है, मीडियम से थोड़ा ज़्यादा रखना है फ्लेम में, और इसे रोस्ट कर लेना है। अच्छा, रोस्ट हो जाए। अब ये काजू फ्राई करेंगे, ये नट भी दे, ये नारियल भी दे दे रही, और ये वॉलनट भी दे दे रही। सभी को अच्छे से फ्राई कर लेना है, वॉलनट, ड्राई कोकोनट, कैश्यू एंड आलमंड्स, सभी को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से। किशमिश, रेजिन्स भी ऐड कर दिया हमने। अब ये आखिर में मैं पिस्ता भी दे दे रही हूँ। तो पिस्ताचियो भी ऐड करना है, वी हैव टू ऐड ऑल इंग्रेडिएंट्स एंड अच्छे से रोस्ट कर देना है सभी को। खाने से क्या है, लड्डू जितना दिन भी रहेगा ख़राब नहीं होगा, इसलिए रोस्ट कर लेने से अच्छा बात है। अब इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेती हूँ, इकट्ठे कर लेते सब। एक चम्मच घी यूज़ कर रही हूँ। सो सभी ड्राई फ्रूट अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, हमने इसे निकाल लिया एक बड़ी सी प्लेट में, और यहाँ पे फिर से घी ऐड करना है आपको। अब इसमें आपको ऐड करना है पम्पकिन सीड्स एंड ये है मेलन सीड्स और पॉपी सीड्स, इन्हें भी अच्छे से रोस्ट कर लेना है। सभी को अच्छे से रोस्ट कर लीजिए। अब इसे मैं निकाल रही हूँ एक जगह। अब ये सब एक जगह में से हलवा की तरह पका लेना है। तो इसमें हमने खजूर ऐड कर दिया है, ये ग्राइंड किया हुआ खजूर ऐड करना है, और इसमें ग्राइंड किया हुआ अंजीर ऐड कर देना है। दो चम्मच घी इस्तेमाल करूँगी, इसे हलवा की तरह पकाना है। दो चम्मच घी इस्तेमाल कर रही हूँ मैं यहाँ पर, और कोई शुगर गुड़ इस्तेमाल नहीं करना है, खजूर से ही मीठा हो जाएगा। और इसे पकाते रहना है थोड़ा अच्छे से ये, ताकि बाइंडिंग हो जाए लड्डू हमारे जितने ड्राई फ्रूट हैं। इसे मैंने तकरीबन 10 मिनट तक चलाती रही हूँ, और ये जब इकट्ठा हो गया तो ये अच्छे से इसमें जो भी पानी था सब अच्छे से सूख गया है, और इसे मैंने अच्छे से भून ली हूँ। अब ये अच्छे से बाइंडिंग हो सकेगा। अब इसे थोड़ा ठंडा करके, थोड़ा ठंडा होने देती हूँ मैं इसे, अच्छे से इसे भून लेना है। ये देखिए, और ये सब एक जगह अच्छे से मिक्स कर लेना सब ड्राई फ्रूट को, इसमें मिक्स करके थोड़ा ठंडा हो जाएगा तब बाइंडिंग करूँगी लड्डू का। हो गया गैस का फ्लेम यहाँ पर, और अब ये ठंडा हो जाएगा तब मैं इसे टेस्ट करूँगी। अब इसे मैं इसमें मिला देती हूँ। ये सब कुछ बनके रेडी है, अब इसे मिक्स कर लेना है। ये जो खजूर और
इंजीर को हमने मिक्स करके पकाया हलवा की तरह, इसे मिक्स कर लेना है। हाँ बिल्कुल टच नहीं करूँगी इसलिए ये गर्म। हाँ इसे आपको स्पून से मिक्स करना है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे लड्डू बनाऊँगी। इसे अच्छे से मिलाना है पूरा ड्राई फ्रूट में। अभी ये बहुत गर्म है तो आप स्पून से ही करें, उसके बाद जब ये ठंडा हो तो आप हाथ से कर सकते हैं मिक्स। अभी इस तरह से हाथों में हाथ में थोड़ा सा घी लगा के एक एक करके लड्डू बना लूँ मैं। सो इस तरीके से आपको हाथ में पाम्स में घी लगाना है एंड देन यू हैव टू मेक लड्डू लाइक दिस। सो काफ़ी इजी है, इस तरीके से बन जाएगा सारे लड्डू। आपको प्रिपेयर कर लेना है इसी तरीके से एंड बहुत ही अच्छे से ये बाइंड हो जाता है। तो इसे मैं और भी बना के दिखाती हूँ आपको बहुत सारे लड्डू एंड इट्स वेरी हेल्दी। आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए, बहुत ही हेल्दी है। इसमें कोई शुगर नहीं एडेड है एंड देयर इज़ नो जैगरी आल्सो विदाउट शुगर एंड जैगरी। ये इतने अच्छे लड्डू हैं। तब ये हमारे लड्डू बनके तैयार हैं। ये ड्राई फ्रूट के लड्डू है, काफ़ी दिन चलेंगे। इसे आप एक एक पीस रोज़ खाएं और ये काफ़ी हेल्दी है। सो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये रेसिपी अच्छी लगी हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल कर दीजिए सो दैट यू नेवर मिस एनी न्यू अपडेट्स ऑन माय चैनल। एंड कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा ये लड्डू का रेसिपी। सिंपल एंड ईजी रेसिपी, काफ़ी जल्दी बन जाता है, क्विक है और काफ़ी हेल्दी भी है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।